पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप ने कोरोना महामारी से उत्पन्न देश में संकट के समय में अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक छोटा सा योगदान 51,000 रुपए का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। ये राशि संस्था की ओर से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव नवीन आनंद जोशी और कोषाध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से टेलीफोन पर चर्चा के उपरांत दी है। भोपाल स्थित संगठन के प्रदेश कार्यालय पर महासचिव नवीन आनंद जोशी ने उक्त सहायता राशि का चेक सुपुर्द किया। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय, चाहे वो नेपाल की त्रासदी हो या फिर केरल में बाढ़ का समय, जंप ने सदैव अपना योगदान दिया है। जंप के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा और प्रदेश महासचिव नवीन आनंद जोशी ने अन्य साथी पत्रकारों और पत्रकार संगठनों से अपील की है कि वे अपने उत्तरदायित्वों से आगे बढ़कर जो भी यथासंभव आर्थिक योगदान देश को दे सकते हैं दें। हर एक पत्रकार को अपना सामाजिक दायित्व मानकर ही समाज में योगदान देते रहना चाहिए। हमारी के इस आपातकाल में हमारे संगठन ने भी अपना एक छोटा सा योगदान 51,000 रुपये का एक चेक प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने परस्पर चर्चा कर यह निर्णय लिया और हमारे भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में हमारे प्रदेश महासचिव नवीन आनंद जोशी ने यह चेक दिया है। संगठन ने सदैव प्राकृतिक आपदाओं में अपना कुछ न कुछ योगदान दिया है। नेपाल में भूकंप के वक्त हमने राहत राशि भेजी थी, इसी प्रकार केरल में जब बाढ़ आई थी उस वक्त भी हमारे संगठन ने चिकित्सा सामग्री केरल भिजवाई थी। हम अपने सभी साथी पत्रकार संगठनों से और पत्रकार साथियों से यह अपील करते हैं कि वे अपने अपने उत्तरदायित्वों से आगे बढ़कर मानवीयता के आधार पर कुछ न कुछ योगदान अवश्य दें। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए पीएम केयर्स को अपने पूरी यूनियन की ओर से 51,000 का एक चेक भेजा है। हम ये चाहते हैं कि पत्रकारों का एक सामाजिक दायित्व भी होता है, प्रेस कवरेज और अपनी जो यूनियन की जो गतिविधियां उसके अतिरिक्त, वो काम हमने अपने प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा, मेरे साथी कोषाध्यक्ष महेंद्र शर्मा और हमारी कार्यकारिणी के अन्य सदस्य और मैं स्वयं नवीन आनंद जोशी, हमने टेलीफोनिक चर्चा करके आपस में तय किया कि हमें देश में आए इस महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार को एक योगदान देना चाहिए। जो सामाजिक दायित्व हम लोगों का है तो वो योगदान देने की दृष्टि से हमने ये राशि पीएम केयर्स में जमा की है।